नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल नयन जी के वर्ल्ड में। आज हम देखने वाले सामान्य ज्ञान 2022 से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चंस है इम्पॉर्टेंट होने के साथ साथ सेलेक्टेड भी है, इसीलिए आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए, वीडियो को बिना स्किप किए हुए और यूँ ही मुझे सपोर्ट करते रहिए। तो स्टार्ट करते वीडियो, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इम्पोर्टेंट है, यदि आपको क्वेश्चंस के आंसर पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। कब मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 जून को। इम्पॉर्टेंट है, तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सन 2011 में कौन सी राष्ट्रीय जनगणना हुई थी? काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 15वीं राष्ट्रीय जनगणना। जनगणना हर 10 साल के बाद होती है, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एंजिल जलप्रपात। इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला भूवैज्ञानिक संग्रहालय कहाँ पर बनाया गया? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। कहाँ पर बनाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जैसलमेर में। इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्माण किस स्थान पर हुआ था? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुशीनगर में। इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने लोह एवं रक्त की नीति का पालन किया? काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। किस शासक ने लोह एवं रक्त की नीति का पालन किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बलबंस ने। इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण किया? काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। किसने पूर्ण किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इल्तुतमिश ने। इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विवेक एक्सप्रेस। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री तिरंगा कहाँ पर फहराते हैं? काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाल किले पर। इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूर्व का मोती व रत्न द्वीप किस देश को कहा जाता है? काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रीलंका को। इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आसबान बांध किस नदी पर स्थित है? तो बताइए आसबान बांध किस नदी पर स्थित है? काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन बी, नील नदी। इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए,
त्रिवेंद्रम इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कब छोड़ा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1975 में। इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, फटाफट बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जेनेवा में। इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रावधान अकेडमी कहाँ पर स्थित है? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, हैदराबाद में। इम्पोर्टेंट है। इसी प्रकार की वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिए। मेरे चैनल पर 1500 से भी ज़्यादा वीडियोज़ है, आप उन वीडियोज़ को वॉच कीजिए। डेफिनेटली आपके जितने भी आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद।